बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो बच्चों, आज ही आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th का है, चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एपी की आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का पेज नंबर 21 है। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा, जिसने भी हमारी इससे पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो अभी जाके हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाए, वहाँ जाके यह वीडियो वॉच कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पता है कौन सी है, आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आईएमपी सीरीज़ में जो हमने इंट्रोडक्शन बनाई थी ना, इंट्रोडक्शन की, एपी की इंट्रोडक्शन, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो इस सबसे बड़ा रामबाण है, वो सबसे बड़ी ताकत है, जो अगर उसे देख लोगे ना तो एपी आपको आधे से ज़्यादा तो वहीं समझ में आ जाएगी, है क्या नहीं। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पर आ जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाइए समझते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म वाई 12। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं बोला है, बस सिंपल से छोटा सा फंडा जी है। इनने बोला है कि हमें डिटरमाइन करना है एपी को, यानी हमें एपी बतानी है ऐसी कौन सी एपी है जिसमें थर्ड टर्म हमारी 16 है और जो सेवन टर्म है ना वो है ना एक्सीड है, एक्सीड फिफ्थ टर्म से। मतलब एक्सीड मतलब क्या कहते हैं, एक्सीड को हम हिंदी में बेटा पुकारते हैं अधिक। क्या पुकारते हैं, अधिक। यानी जो सेवन टर्म यानी सातवां जो पद है ना वो पांचवें पद से अधिक है, कितना, 12 अधिक है। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है। अब बेटा ऐसी बात है कि यहाँ पे थर्ड टर्म हमें पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन ने बता दी कि 16 होनी चाहिए, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि डिटरमाइन करने को कह रहा है, यानी कि हमें क्वेश्चन में एपी बताने को कह रहा है कि आप कौन सी एपी है वो बताइए कि जिसकी थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म हमारी 16 है और सेवन जो टर्म है ना वो 12 अधिक है 5 से, ठीक है, मतलब फिफ्थ टर्म से। तो हमें एपी की सीरीज़ निकालनी है। तो एपी की सीरीज़ निकालने के लिए तो बेटा पहली बात तो आपको जी भी पता होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, है ना, जो दोनों ही हमारे पास अभी नहीं है, है ना। तो चलो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन ही बताता है कि बेटा करना क्या है। अगर वो क्वेश्चन का नाम ही इसलिए कि क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन है ना वो खुद ही सॉल्यूशन बताता है, लेकिन अगर आप समझ लो तो ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे, बोरिंग नहीं लगेगी वीडियो, बस वीडियो को ढंग से समझना, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सातवां पद जो है ना वो पांचवें पद से अधिक है, कितना, 12। ये हमारे लिए एक हिंट दे दिया गया, कैसे, चलिए। अच्छा बच्चों एपी की सीरीज़ को लेट कर लें क्या, लेट कर लें मतलब ऐसी कौन सी सीरीज़ है एपी की, चलो बताता हूँ। ए प्लस डी है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई गलती से, इसको यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा ए प्लस टू डी, कॉमा ए प्लस थ्री डी, कॉमा ए प्लस फोर डी, कॉमा डैश डैश डैश, इस तरीके से सीरीज़ जाती है। यहाँ पे ये पहली वाली ए वन होती है फर्स्ट टर्म, दूसरी वाली हमारी ए टू होती है, तीसरी वाली हमारी ए थ्री होती है, ये वाली हमारी चौथी हो गई, ये हमारी पांचवी हो गई, ठीक है, इस तरीके से सीरीज़ चलती जाती है। बच्चों यहाँ पर थर्ड टर्म इज़ 16, ये क्वेश्चन ने पहले बताया, तो थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री है ना, यहाँ पे इसे सॉल्व कर दो तो हमें 16 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ए और डी ये मिसिंग नंबर है जो कि हमें दोनों ही नहीं पता, ठीक है, तो ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और उसकी किसके माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके माध्यम से। बट क्वेश्चन ने जो गिवन दिया है उसको भी ध्यान में रखना है बेटा। तो क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया है, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस के टू डी, तो ए प्लस के टू डी हमारा क्या है, 16 को हम क्या कह सकते हैं बेटा, ए थ्री यानी ए एन के नाम से शो करते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारी थर्ड टर्म है ना ए प्लस के टू डी इसमें 16 है, इसको आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, पहली बात। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए। एंड नाउ अब इसके आगे की बात, क्वेश्चन ने क्या बोला, सेवन टर्म मतलब बेटा क्या हो जाएगी हमारी सेवन टर्म, जैसे कि यहाँ देखिए, ये जैसे कि ये थर्ड टर्म है ना, तो ये थर्ड टर्म में ये तीसरा नंबर से एक कम नंबर होता है यहाँ पर, यानी यहाँ तीन है तो यहाँ दो है, तो ये फोर टर्म है, तो फोर टर्म में यहाँ 3D हो गया, फाइव टर्म है तो यहाँ 4D हो गया, तो ऐसे ही सेवन टर्म है ना तो वो 6D होगा, तो ए प्लस की 6D क्या है बेटा, अधिक है किससे, इस वाली कंडीशन फिफ्थ टर्म से, कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो यानी कि यहाँ पे इक्वल टू में आ गया ए प्लस के 4D प्लस के 12। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई,
अब आप कन्फ्यूज़न में आ गए होगे बेटा, है कि नहीं। चलो इसको मैं अच्छे से डिनोट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ही समझाता हूँ। ए प्लस के 6D बेटा, ए प्लस के 6D हो जाएंगे हमारे क्या, A7, और ए प्लस के 4D हो जाएगा हमारा A5। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखिए 7 टर्म जे हो गई, 5th टर्म जे हो गई। इसी को तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों। अब बेटा यहाँ क्या बोला है कि 7 टर्म अधिक है 5 टर्म से, कितना 12 अधिक है। तो 7 टर्म अधिक है ना 5 टर्म से, 12 अधिक, यानी 5 टर्म में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 7 टर्म के बराबर हो जाएगा। तो 7 टर्म जे रही, इसमें 12 जोड़ा तो ये 5 टर्म में 12 जोड़ा तो 7 टर्म के बराबर हो गया। हो गया, अब क्या करो, टर्म को एक तरफ कर लो, यानी कि ए प्लस के 6D यहाँ पर आ गए, तो यहाँ आएंगे ये माइनस के हो जाएंगे ए प्लस के 4D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, भी अपन हटाएंगे, ये 12 के बराबर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हमें देखो यहाँ दिख रहा है कि अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो यहाँ ए माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के 4D हो जाएंगे, तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। तो बेटा क्या है, ए प्लस के 6D माइनस के ए माइनस के 4D इक्वल टू में 6 12 कैंसिल, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, माइनस के प्लस के 2D इक्वल टू में 12। डायरेक्ट काट दें, 2 से यहाँ कट गया 12, कितना 6 बार, तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आ गई बेटा वैल्यू डी, 6 वैल्यू आ गई डी की, यानी कॉमन डिफरेंस हमें पहला वाला पता चल गया 6। तो पहला वाला पता चल गया तो यार ये तो हाल पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि देखो गिवन में ए प्लस की 2D इसका 16 है। तो अगर हम डी की वैल्यू, जो डी की वैल्यू है इसको अगर हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, अगर डी की वैल्यू को हम इसमें डी की वैल्यू को यहाँ रख दें तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। सो नाउ किस बात की दे रही, प्रोसेड ए प्लस के 2D इजिकल्स टू में बेटा कितना है 16, ए प्लस के 2 इंटू 6 हो जाएगा इजिकल्स टू में 16, क्योंकि डी की वैल्यू 6 आ गई। ए प्लस के 6 2 12 इजिकल्स टू में 16, अच्छे से समझ में आ रही ना बच्चों बात मेरी। तो 12 यहाँ जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, 16 में से बेटा 12 जाएंगे, बेटा 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे सिंगल ए भी दिख रहा है ना आपको, सिंगल ए क्या होता है, ए फर्स्ट, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आई थिंक अगर हम देखा जाए ए की वैल्यू अगर हमारी 4 है तो हम ए की वैल्यू को अगर यहाँ रख दें तो डी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसी ए की वैल्यू को यहाँ रख दें तो यहाँ पर हमारी 2D से सॉल्व करेंगे तो A3 भी निकल जाएगी, यानी कि यहाँ देखें अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू है इस सीरीज़ में रखेंगे हम, ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा, ए प्लस के डी कॉमा ए प्लस के टू डी कॉमा तीन संख्या तक ले लें या 4 संख्या तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों 4 संख्या तक, 4 संख्या तक ले लेते हैं, यानी ए प्लस के 3D कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है इतना रहने देते हैं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 4 हमने यहाँ रख दी कॉमा, यहाँ पर हम 4 रखते हैं, प्लस डी की वैल्यू हमें पता है 6 है, 6 रख दी कॉमा, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी 4, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा 6, कॉमा ए की वैल्यू 4 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू बेटा कितनी है 6, अब ध्यान से सुनना कॉमा डेजेस, अगर जी वैल्यू सही निकली तो बाकी ये वैल्यू भी सही निकलेंगे, साफ सुथरी बात है। चलो 4 आ गई कॉमा, 6 और 4 कितने हो जाए 10 कॉमा, 6 2 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 16 कॉमा, 6 3 18 18 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 18 और 4 हो जाएंगे हमारे 22 कॉमा डैश डैश डैश। अच्छा बच्चों एक बात आपने नोटिस नहीं की है, शायद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या थी, 3rd टर्म गिवन थी, वो क्या थी हमारी 16। आप यहाँ देख के बताइए यहाँ पर 3rd टर्म 16 आ रही है क्या, ये 1st टर्म हो गई, ये 2nd टर्म हो गई और ये 3rd टर्म हो गई, क्या बात है, मतलब क्वेश्चन हमने जो सोचा था वैसे ही सॉल्व हुआ है, यानी कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। 3rd टर्म आ रहा हमारी क्या आई है 16 आएगी, ये आ गई है और ये 4th टर्म है। अच्छा बच्चों इसी हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है, यहाँ तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक जितना पूछा गया था ये सीरीज़ मांगी थी, जो सीरीज़ हमारी आ चुकी है, ठीक है बच्चों, यही सीरीज़ हमसे मांगी गई थी, ये हमारी आ चुकी है। बट हमसे क्वेश्चन में एक बात और पूछी थी जो कि आपको शायद पता है कि नहीं, 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, यहाँ पे ये 12 वाली बात कैसे आ गई, जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 16 में से 10 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो यहाँ पे 12 अधिक करने पर हमारे 7 टर्म क्यों मिल रही है, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका एक जवाब सीधा सीधा ये है, 5 टर्म और 7 टर्म
इन दोनों के बीच में एक और टर्म आती है बच्चों, कौन सी? सिक्स टर्म। जब सिक्स टर्म आती है ना तो बेटा फाइव से सिक्स टर्म तक की वैल्यू कितनी है? छः का अंतर है, तो छः से सात तक का अंतर कितना होगा बेटा? वो भी छः का ही होगा, तो छः छः कितने हो जाते हैं बेटा? 12 हो जाते हैं। जी बेटा जी, मैंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है फिर भी बता दिया है। जैसे कि ये सेवन टर्म है हमारी, कॉमा ये सिक्स टर्म हो गई, कॉमा ये फिफ्थ टर्म हो गई। यहाँ तो डायरेक्ट बोला था, तो बीच में एक सिक्स टर्म भी तो आती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 6 है। अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा? 12। इसलिए यहाँ पे 12 दिखता, यानी कि 12 जोड़ दिया जाए तो 7 तक पहुँच जाओगे। तो ये बात समझ में आ गई ना? ये मैंने बेसिक सा है, ये मैंने अलग से बताया बेटा, अलग से बताया, तो इसको इसमें ना जोड़ें, ठीक है? क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ तक इतना ही था, जो कि मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको, प्रूफ भी कर दिया कि थर्ड टर्म हमारी 16 है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। और न्यू सब्सक्राइबर है, अगर आप हमारे न्यू सदस्य हैं हमारे चैनल के, तो कृपया करके अनुरोध होता है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडसेट को भी आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आगे वाले जो भी वीडियो अपडेट्स होंगे आगे जो भी आएंगी वीडियो के अपडेट्स, वो आपको मिल सकें टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।